ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग जो है, जो ये पांचवा सीजन है और दो साल कोविड की वजह से स्लो डाउन हो गई थी, बट अब बैक है, बेटर है, स्ट्रॉन्गर है और अभी इसमें ये इस चीज़ में हम बिलीव करते हैं कि दो तीन साल के अंदर ये लीग इतनी बड़ी हो जाएगी कि बच्चा बच्चा इस लीग के बारे में जान जाएगा। और पिछले साल जब लास्ट टाइम, दो साल पहले जब ये लीग हुई थी, उसमें हमारी टीम मुंबई हॉर्सेस ने कप उठाया था, तो इस बार हमने उसमें से चार प्लेयर्स रिटेन किए हैं और हमारे कैप्टन जो है विपुल, इनको भी रिटेन किया है हमने। और इस बार भी ऑक्शंस में लक बहुत चला, 11 कॉन्ग्रेचुलेशंस हमको मिले, मतलब 11 चिट्स अपने नाम की निकली हैं, तो टीम बहुत स्ट्रांग बनी है। और पर क्रिकेट तो ऐसा होता है कि जिसका दिन होता है वो उसका चलता है, बट सो वी होप कि इस बार भी हम लोग ये ट्रॉफी उठाएं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गेम बहुत अच्छा हो, फेयर हो और अच्छी स्पिरिट में हो। आपकी तरफ से क्या क्या इनपुट्स रहने वाले हैं और क्या सजेशन होगा जो भी प्लेयर होंगे? हम लोग ने बहुत केयरफुली टीम पिक करी है, बहुत सोच समझ के विपुल के साथ बैठ के, कि ऑलराउंड एक स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए, एक बैलेंस टीम होनी चाहिए, बैलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक दो स्टार प्लेयर्स के ऊपर जो टीम डिपेंड करती हैं वो मोस्टली कहीं ना कहीं कुछ लूज़ भी करती हैं, इसलिए एक बैलेंस टीम होनी ज़रूरी है जिसके अंदर अच्छे बॉलर्स भी हों, ऑलराउंडर्स भी हों और बैट्समैन और विकेट कीपर भी अच्छा हो। तो उसके हिसाब से हमारा यही इनपुट रहेगा, हम उनको यही हमेशा गाइड करेंगे कि प्रेशर नहीं लेना है और बस अब इंजॉय करना है गेम। जब आप गेम इंजॉय करते हो, जब भी कोई चीज़ हम इंजॉय करते हैं लाइफ में, जब म्यूज़िक बनाते हैं, अपना गाना बनाते हैं, तो हम भी ये प्रेशर नहीं लेते कि ये गाना हिट चलेगा नहीं चलेगा, हिट होगा फ्लॉप होगा, ये सोच के बनाएंगे तो गाना बनेगा ही नहीं। जब हम गाना बना रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता कि इस वक्त हिट फ्लॉप, ऐसे ही क्रिकेट खेलते समय ये दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये है कि स्पिरिट और टीम, उस चीज़ को इंजॉय इतना करना है कि वो पूरी ज़िंदगी जो है उसी गेम में जी लेनी है। पहले तो ये जो लीग है वो स्पेशली रिमोट एरिया के क्रिकेटर्स के लिए है और अभी इतना पॉपुलर हो गया है कि काफ़ी सारे बच्चे इसमें खेल के एक अच्छा नाम बना रहे हैं और अच्छा क्रिकेट भी, क्रिकेट प्लेटफॉर्म भी बन गया है। तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे सेलेब्स, जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबको पता चला तो सबसे पहले ये लीग हो ही रही थी, बट जब मीर ब्रदर्स इसका हिस्सा हुए तो ये लीग बहुत पॉपुलर हुई पूरे इंडिया, इंडिया ही नहीं एशिया में, ओमान में, मलेशिया में, वहाँ तक हमारी न्यूज़ पहुँची और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं मुंबई हॉर्सेस के और स्पेशली VPL के, उनको बहुत ही अच्छे से रिकग्नाइज करने लगे और उनका एक देखा जाए तो फ्यूचर भी अच्छा बनने लगा इस लीग के कारण। तो बस यही कोशिश है हमारी मुंबई हॉर्सेस के, जो भी हमने एक टीम बनाई है ऑन पेपर तो अच्छी है, हम कोशिश करेंगे कि ऑन ग्राउंड भी इससे अच्छी हम लोग टीम को निकाल के लाए। भैया ने, मतलब मनमीत भैया ने टीम जब हम लोग टेबल पे बैठ के बना रहे थे तो जो जिन प्लेयरों को हमने रिटेन किया है काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, जिसमें IPL के क्रिकेटर राहुल यादव है वो भी मुंबई हॉर्सेस का हिस्सा होंगे, जो वैलेंट के फेमस प्लेयर है जो इस लीग को खेल रहे हैं, रिचि शुक्ला, कुरवेश भट्ट, गौरांग दवे, तो ये सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और भी अच्छे प्लेयर है जैसे अहमदाबाद के सलमान पठान हो, और बस हमारा यही है कि रिमोट एरिया के क्रिकेटर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो और जब आपके लिए सेलिब्रिटीज़ जब ये ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हो, प्लेयर के लिए डिमांड कर रहे हो, तो प्लेयर का जो मोटिवेशन है वो ऑटोमेटिकली एक अच्छे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। सर, इतने सक्सेसफुल रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, आपको इसका थीम भी वैसा ही होना चाहिए जैसा आपका सक्सेसफुल रहा पास्ट म्यूजिक? बिल्कुल, वो थीम सॉन्ग या कुछ तो होगा ऐसा जो लोगों का अट्रैक्ट करे? इसका एक अच्छा थीम सॉन्ग बना रहे हैं हम, जो एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल होएगा, हर प्लेयर को मोटिवेट करेगा और थोड़ा हमारा बॉलीवुड टच तो होता ही है गानों में, तो वो भी रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात इसलिए थी, हम इसलिए जुड़े इस लीग से क्योंकि देखिए क्रिकेट तो हर शहर में, हर नुक्कड़ में खेला जाता है, लेकिन किसी की भावना ऐसी नहीं रहती कि जो लोग जो एक डाउन ट्रॉडन या अंडर प्रिविलेज, जो छोटे जो गाँव के जो बच्चे हैं और जो जिनको कोई ना तो सुविधाएं हैं ना तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में सोच के विपुल ने लीग जब शुरू करी थी तो चेतन शर्मा जी और सारे बहुत लोग, खन्ना जी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं साथ में। तो राहुल रॉय इस बार, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए किया था क्योंकि इसकी भावना बहुत अच्छी है और जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो ऊपर वाला आपके बारे में सोचते हैं। टेलीकास्ट ये नेशनल टेलीविजन पे होगा और जो बिडिंग चल रही है इसमें 50 करोड़ की बिडिंग है, अभी तक कोई खरीद नहीं पाया, जब होगी तब आपको बताएंगे किसने जीती है बिडिंग। थैंक यू।
सी हमारे कैप्टन है सलमान, और जैसे मेरे बड़े भाई मनमीत ने बोला, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दीज यंग टैलेंटेड किड्स ऑल ओवर दीज प्लेसेस इन इंडिया, क्योंकि बहुत टैलेंट है एंड समटाइम्स लोगों को स्कोप नहीं मिलता है. सो वी आर हियर टू गिव ऑल द किड्स अ वेरी गुड स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट, बिकॉज वी बिलीव इन इंडिया, वी बिलीव इन द इंडियन किड्स, वी लव क्रिकेट एंड दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. वैलिएंट प्रीमियर लीग सीजन 5 देख लीजिए, इट्स गोना बी रॉकिंग. फिफ्थ सीजन कैप्टन है, 1, 2, 3, 4 ये फिफ्थ टाइम, फिफ्थ टाइम कैप्टन रहे, फुल 5 टाइम्स. आकाश जी काफी मोटिवेटेड मोटिवेटेड पर्सन और दूसरों को भी काफी मोटिवेटेड करते हैं, और मैं वैलियंट से जुड़ा हूँ 10 साल हो गए. हमारे विपुल भाई है, विपुल भाई ने रूरल जो क्रिकेटर है उनके लिए वी लव विपुल, तो उसका हम पार्ट बने. थैंक्स. यस एंड और आई होप अहमदाबाद वॉरियर्स जीते, यू नो आई एम सेइंग, cuz दैट्स व्हाट आई वांट टू हैपन. लास्ट टाइम मैं भोपाल के साथ था एंड वी गॉट रनर अप, टाइम इज सेकंड प्लेस. इस टाइम मुझे अहमदाबाद के साथ जीतना ही है एनी हाउ, क्योंकि आपको पता है मैं भी चैंपियन हूँ विद चैंपियन टीममेट्स, यू नो जस्ट लाइक सलमान भाई. थैंक यू सो मच बाबा, कीप रॉकिंग. मैंने किया ऑलरेडी, ये आपके लिए, आप बोलो रहो, आप रखो ये. एट VPL वी हैव टू स्टे, आई टेक देम विकेट्स, हिट अ 6 and 4, लेट्स गो, लेट्स रॉक एंड रोल. VPL सीजन 5, लव यू. थैंक यू. प्लेयर्स आप लोगों ने रिटेन किया है, इस प्रीमियर लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितने एक्साइटेड है इस टीम को लेकर? सो VPL सीजन 5 जो ये आया है वापस, स्ट्रॉन्गर देन एवर, एंड आई होप कि इस बार और भी ज्यादा ऊंचाइयों को छुए और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें. स्पेशली मेरी जो टीम है भोपाल टाइटंस, जिसको मैं आज सपोर्ट करने आई हूँ, उन लोगों के लिए मेरी एक्स्ट्रा प्रेयर्स है एंड आई होप कि बहुत अच्छा करें. आज हमने रिटेन किया हमारे अपने कैप्टन, जिनके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, सो वी हैड टू रिटेन रिची, एंड उनकी जो स्पेशलिटी है दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट, लाइक ही इज़ बिन द बेस्ट प्लेयर हम लोग के, एंड उनको तो हम लोग कभी जाने नहीं दे सकते थे हाथ से. सो दैट्स वन विन, एंड उसके अलावा हमारे बहुत सारे, हम लोगों ने जितने भी मन के यू नो वी वॉन्टेड द प्लेयर्स, वो सारे हमको मोस्टली मिले हैं, तो हम लोग का बहुत लकी ये सेशन रहा है जो ऑक्शन वाला था. सो आई एम रियली हैप्पी. रिची, व्हाट आर यू हैप्पी से? देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो जितने प्लेयर हमें चाहिए थे वो सब के सब हमें मिल गए, और अच्छी एक अच्छी टीम बनी है, एक बैलेंस टीम बनी है जिसकी हमें नीड थी, और लेडी लक जिसका बहुत ज़्यादा नीड था वो मेरे साथ चल गया, तो थैंक यू सो मच. आई एम रियली हैप्पी, जो जो हम लोग चाह रहे थे वो हम लोग को मिले, एंड यू नो इट्स अ प्रीमियर लीग, तो इसमें जो टीम है वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो अगर वो अच्छी बन जाएगी तो हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा करेंगे, एंड आई होप दैट वी विन. कुछ नहीं होता है, सो मितेश के बिना हमारी टीम अच्छी नहीं हो सकती, सो यू नो वी आर रियली लकी दैट वी हैव हिम हियर, एंड हम लोग सबका ही एक्चुअली जो वाइब था, पॉजिटिविटी और वो सब मिलके हम लोग को इतने अच्छे प्लेयर्स मिल पाए. एंड मोटिवेशन की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, तो मैं तो आज जहाँ तक मेरा काम था वो आज तक ही था, और आज मैं जितना इनका साथ इस चीज़ में दे पाई वो मैंने किया है, लेकिन आगे आई एम श्योर कि हमारे जो कैप्टन है उनका ये जॉब है कि अपनी टीम को अच्छे से मोटिवेट करते रहे और यू नो हर कदम पे उनके साथ रहे. आई एम ऑल्सो ऑलवेज देयर, मैं तो चीयर करूँगी बस, और हो सके तो अपने म्यूजिक से थोड़ा सा इनको लिफ्ट अप करूँगी, इनके मूड को दैट से, बट येट अदरवाइज यू गाइज हैव टू यू नो टेक इट ओवर एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड विन. सो मैं जब आई थी शुरू में तब भी मेरा सांड की आँख, जिसको बुल्स आए बोलते हैं, तो वो एक यहाँ पे उस फिल्म में से मेरा एक गाना है बेबी गोल्ड, मैंने वो ही गाया था, तो उसकी चंद लाइनें मैं गा देती हूँ, सो दैट सबका एक जो मोटिवेशनल वाला मूड हो जाए, सबके यू नो सबके अंदर एक इनकरेजमेंट आए. हाँ सपने हैं सतरंगी जी के करें, मन जो है तरंगी जी के करें, मन जो है तरंगी तो मेरे बस में कहाँ. सपने हैं सतरंगी जी के करें, मन जो है तरंगी जी के करें, मन जो है तरंगी तो मेरे बस में कहाँ. कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ
कुछ भी करे, अरे मैं तो हूँ टोटली सोल्ड 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 बेबी, हाँ बेबी गोल्ड 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 गोल्ड, ओ बेबी गोल्ड 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 गोल्ड, ओ बेबी गोल्ड 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 गोल्ड, ओ बेबी गोल्ड 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 गोल्ड। जैसे आपने देखा है बीपीएल में पूरे देश दुनिया से लड़के आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर खेलने के लिए, तो हम देखते हैं कि एक प्रतिभा निकलती बाहर और आप उन्हीं में से देखेंगे कि एक सचिन तेंदुलकर एक सहवाग निकलेगा यहाँ से। और जैसे कि हमारे कैप्टन हैं जय जी, इज अ वंडरफुल कैप्टन, और अब ये सब मैचेस ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम में होंगे, तो आप देखेंगे वहाँ हमें टेम्परेचर से एटमोसफेयर से हमें बेनिफिट मिलेगा। यही है सबसे मेन चीज़ के सबसे ज़्यादा विपुल इस चीज़ के लिए वो है, क्योंकि विपुल ऐसे हैं कि वो जितने भी लोग हैं प्लेयर जिनको मौका नहीं मिल पाता है वो सबको साथ लेके चलते हैं और वो छोटे से छोटे प्लेयर को सपोर्ट करते हैं और इस चीज़ में आगे लेके आते हैं, सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि लोगों को मोस्टली चांस नहीं मिलता है, उनके अंदर टैलेंट होता है बट चांस नहीं मिलता है, विपुल की अच्छी बात है कि वो सबको साथ लेके चलता है और उसी की वजह से आज सबको चांस मिल रहा है। और बीपीएल सीज़न 5 है तो ये तो ब्लास्टिंग होने वाला है, सबसे बेस्ट होने वाला है, लेट्स सी। बाकी और बाकी हमारे कैप्टन हैं ही जयेश वसावी जी, जो बाकी ये देखेंगे सारा कुछ। So, आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है टीम के लिए और कैसे मोटिवेट रखने वाले हैं पूरी टीम? स्ट्रैटेजी यही है कि अभी हम लोग डे बाय डे मैच बाय मैच प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे और देखते रहेंगे कि जो भी प्लेयर हमने पिक किए हैं उसके हिसाब से परफॉर्मेंस कैसे कराना है वो हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी पे चलेंगे और मैच बाय मैच हम लोग आगे सोचते रहेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए टूर्नामेंट में, क्योंकि सारी टीमें बहुत अच्छी है इसलिए सारी टीमें बहुत अच्छी, राइट, पांचों टीमों के फाइट होने वाला है इसलिए इस बार ये VPL 5 बहुत अच्छा होगा। आई होप कि हमारे लिए हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी तो चैंपियन इस बार इसके पहले भी जब हमारा रूप सिंह स्टेडियम में सीजन 3 हुआ था उसमें भी हमारी ग्वालियर गोल्डन टाइगर्स जीती थी, इस बार भी हमारी ग्वालियर गोल्डन टाइगर्स जीत करेंगे। थैंक यू सो मच। So we are very happy that Vipul has brought back the league after a gap of 3 years. It's been a very interesting concept. This is our second year being part of it. We have rechristened our team to Royal Baroda. The thing is, we have got the captain Shlok here, and he has guided us to pick the best possible playing 11. And we are very happy that we got the best 11 that we could have got, and so far we feel very confident that it's going to be a good year. We wish Vipul all the very best. We like the part that Vipul has brought this concept, and we wish him all the best for the future. But talking about the sponsorship kind of thing, you know, people who are star cricketers, people who are you know guys, wo kitna challenge hoga, wo kitne ka affiliation aapko hona hoga jab aap shuruaat kar rahe hain, shuruaat to kar chuke hain, aage jab aap lead karenge नहीं देखिए स्टार प्लेयर पहले भी तो कभी बिना बिगर नाम के होते हैं, तो हमको ये पसंद है कि ये लीग में मौका दिया जाता है प्लेयर्स को जो आगे और बढ़ के है ना बढ़िया कर सकें, तो हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि नए प्लेयर्स युवा जो अभी नए उभर के आ रहे हैं उनके लिए खेलना ज़रूरी है तो वो मिले। वो रूरल क्रिकेटर्स हैं बेसिकली, वो बहुत रूरल एरिया से आते हैं तो हाँ वो क्लब वेलियम क्लब के लिए वो सब खेलते हैं। I'm just following him. ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, ये फ्रेंड है, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द टीम एंड जस्ट टू शो के हाउ वी वॉन्ट टू support team basically. And making sure that we take it forward and bring more following to the team. What about you in today's time?
क्रिकेट टीम भी बहुत ज़्यादा नाम किया है, मतलब इतने स्टार्स प्लेयर हैं, क्या लगता है कितना ज़रूरी है वुमेन को? Actually, it is very important. I'm so happy that I'm a part of Berlin Premier League. This is like my second time I'm associated with this BPL team. And I wish a lot of luck to every team, but I want a team has to win. Yeah, so basically we want this league to grow and we want to support, reach out to those deserving players. So hopefully with this league, you know, we can have new Tendulkars, Sehwag, and the new era of cricketers to come for India. Thank you. Thank you. मेरा नाम करण है, मुंबई के रेडियो चैनल में मैं रेडियो शो होस्ट करता हूं और इस साल मैं आईपीएल का भी हिस्सा हूं स्टार स्पोर्ट्स में. सो आई एम प्रेजेंटिंग आईपीएल और मेरे लिए खुशी की बात है कि बचपन से मैं क्रिकेट खेलता आया हूं, कभी चांस नहीं मिला. गली क्रिकेट जो बचपन में हम सब खेलते हैं, तो वैसे ही सारे जो प्लेयर्स हैं वेट कर रहे हैं कोई प्लेटफॉर्म के लिए, कोई चांस के लिए. और बीपीएल जैसा एक प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है सारे प्लेयर्स को, ये एक अलग ही बात उनके लिए होती है, अलग ही मोटिवेशन होता है उनके लाइफ में कि हाँ यहाँ से शायद हम और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं. तो एक प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है अपना अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा पूरा प्लेटफॉर्म है बीपीएल का. और सीज़न 5th है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, गुजरात के जितने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सभी लोगों ने सराहा इसको लीग को. तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस लीग में, इसके लिए 5th सीज़न हो रहा है. सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी. मेरे साथ 5 कैप्टन्स हैं टीम के जो भिड़ने वाले हैं वीपीएल सीज़न 5 की चमचमाती ट्रॉफी के लिए. मेरा अच्छा सर का मैं तो बोलने वाला था, मैं एक ही बार अपने कॉलेज के लिए खेला हूँ वो भी एक्स्ट्रास में. क्रिकेट शुरू से हम लोग एक बचपन से ड्रीम था कि एक अच्छा क्रिकेटर बनना, और हर क्रिकेटर के लिए खुशी की बात होती है कि जब उसका उसके स्कोर को दुनिया देखे. 2017 में वैलेंट की तरफ से खेलते हुए नेपाल के सामने एक 10th विकेट पार्टनरशिप में मैंने हाईएस्ट पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन 2017. तो उसके बाद एक अच्छा फेम मिला और वैलेंट के थ्रू और वीपीएल के थ्रू बहुत सारे लोगों ने जाना समझा, और ये धीरे धीरे ये पैशन बनता गया. तो मेरा ज़्यादातर फोकस ना वैलेंट प्रीमियर लीग खेलने में रहता गया, क्योंकि गुजरात का मोस्ट पॉपुलर लीग है, अब वो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर बन गया है. पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेटर भी खेले थे. ये एक सपोर्टिव कोर्स के लिए टूर्नामेंट होता है वैलेंट प्रीमियर लीग, इसलिए हम लोग सारे खेलते हैं. बिकॉज मेन चीज़ है कि रिमोट एरिया के क्रिकेटर्स को चांस देते हैं, जो एकदम ऐसे बच्चे होते हैं, नीडी बच्चे होते हैं, जो कुछ एफर्ट नहीं कर पाते, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. और कहीं से भी ये बीसीसीआई का कंपटीशन नहीं है, बीसीसीआई के सामने नहीं है, ये ग्रामीण कक्षा के क्रिकेटरों का एक टूर्नामेंट है, जिसमें बस ये फेम हमें इतना अच्छा मिला है. हम उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए इस लीग में खेलते हैं कि वो भी इंटरनेशनल रणजी ट्रॉफी प्लेयरों के साथ खेल के उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिले और उनका जो गेम है क्रिकेट का वो अच्छे स्तर पे जाए. तो ये बेसिकली हमारा थीम है वैलेंट प्रीमियर लीग का. और इनफैक्ट आई थिंक यहाँ के जो प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, शायद जो बीसीसीआई है, जो सारी स्टेट रणजी टीम है, उनके नोटिस में कुछ आए तो शायद उनको भी एक बस हाँ ये प्रयत्न है. एक ये एक हमारा एक हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ प्रोडक्ट उनको बना के दें, बट कहीं ना कहीं हम लोग रिमोट एरिया के क्रिकेटर्स हैं, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं से कहीं हमारा उनके साथ कंपटीशन है नहीं. और वैलेंट प्रीमियर लीग है वो एक बेसिकली इसी थीम पे काम करता है. मैं खुद मीडिया चैनल में काम करता हूँ, और जो अनसंग हीरोज़ होते हैं, जो अनहर्ड हीरोज़ होते हैं, उनको लाइमलाइट में लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब पता चलता है कि जो टैलेंट है छुपा हुआ. क्रिकेट इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है, बहुत सारे भी है सारे स्पोर्ट्स, लेकिन क्रिकेट बहुत सबसे बड़ा स्पोर्ट है. तो जब एक टैलेंट रूरल एरिया से आता है जो किसी ने कहीं सुना ना हो, और जब ये सारे टैलेंट हम देखते हैं आते हुए, आजकल बहुत सारे नाम है जो हम देखते हैं कि बोलते हैं वाव हमको पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ, तो वैसा ही जब एक मीडिया अगर सपोर्ट करना शुरू कर दे, एक हाईलाइट करना शुरू कर दे, तो एक बेस्ट हो जाता है. और एक प्लेटफॉर्म मीडिया ही क्रिएट करता है, एक हाइप मीडिया ही क्रिएट करके देता है. तो अगर सारे मीडिया जुड़ जाएं सारे ऐसे प्लेयर्स को लाने में लिए, बीट एनी स्पॉट, क्रिकेट क्यों, कोई भी स्पॉट में इंडिया का अगर नाम हमको रोशन करना है, इंडिया का झंडा सब जगह हम चाहते हैं कि लहराए,
तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि मीडिया अगर हाईलाइट करेंगी तो शायद कोई उस प्लेयर को स्पॉन्सर मिल जाए बड़ा। इतने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं आजकल, सारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, दो तीन साल उनकी देखरेख करते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट कर रहा था, तब जाके गोल्ड मेडल लेके आया इंडिया के लिए। तो वैसे ही अगर मीडिया पहले से ही हाइप करना शुरू कर दे, उसके बाद जीतने के बाद का फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके पहले जब हाइप मिल जाए ना तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आ जाएगा। नहीं, दे आर उन लोग देखते हैं, उन लोग का स्काउटिंग होते रहता है। एंड आई एम सो ग्लैड VPL कर रहा है, सारे जो रिमोट एरिया से लेके आ रहा है, यू नेवर नो। मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ से भी शायद स्काउट होके प्लेयर्स आगे जाए। नज़र सबकी रहती है, अगर कोई अच्छा खेल रहा है नज़र सबकी रहती है, बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए और VPL प्लेटफॉर्म दे रहा है बारंबार। फिफ्थ सीजन है तो आई एम श्योर यहाँ से कुछ बड़ा ही होगा जो सारे प्लेयर्स जुड़े हुए हैं। लास्ट बस ये बताऊंगा कि सलमान अहमदाबाद के कैप्टन हैं, ऋचि शुक्ला भोपाल के, ये हमारे होस्ट हैं, जो अब से मेरे ख्याल से आने वाली 10 सीजन तक ये आपको यही नज़र आएंगे। बोल दिया भाई, रिकॉर्ड कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और श्लोक भट्ट है जो वडोदरा के कैप्टन बने इस बार, जयेश वसावे जो ग्वालियर के बने, ग्वालियर तो इस बार हम एक अच्छा कॉम्पिटिशन में खेलने वाले हैं और एक टफ कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि सबका जो टीम है बहुत अच्छा बना है और लेट्स होप जो बेस्ट टीम होगी वो जीतेगी। और ये जितने भी सेलेब सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी टीम ऑनर सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जल्द क्रिकेट ग्राउंड में हम सब मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।